सोशल मीडिया के प्रचार और क्राइम ब्रांच पंचकुला के अधिकारियों की मेहनत ने 6 वर्ष पहले अपने परिवार से बिछड़े शिवम को उसके परिवार से मिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अपने परिवार से मिलकर 18 वर्षीय शिवम बेहद खुश नजर आया और उन अधिकारियों के चेहरों पर भी संतुष्टि की मुस्कान देखी गई जिन्होंने शिवम को उसके परिवार से मिलाने में दिन रात एक कर दिया था। शिवम के पिता लक्ष्मण कोटखाई के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने बेटे के मिलने की खबर लगी वह अपने बेटे को लेने के लिए सोलन पहुंच गए, जहां ASI राजेश कुमार ने शिवम को उसके परिवार के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि 6 वर्ष पहले 12 वर्षीय शिवम, जो कोटखाई का रहने वाला है, वह अपने पिता और माता को बिना बताए ट्रक में बैठकर हरियाणा आ गया। शिवम क्योंकि बेहद छोटा था और देहात का रहने वाला था, उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि वह नेपाल का है और उसके पिता का नाम लक्ष्मण और बहन का नाम गीता है। क्राइम ब्रांच पंचकुला ने बच्चे की फोटो और परिजनों का नाम सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उनके परिवार के सदस्यों तक वह वीडियो पहुंची और अधिकारियों से संपर्क साधा। ASI राजेश ने छानबीन करने के बाद शिवम को उसके पिता के हवाले कर दिया। शिवम के पिता लक्ष्मण ने कहा कि वह काफी वर्षों तक शिवम की तलाश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, इसलिए वह शिवम से मिलने की सभी उम्मीदें छोड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही शिवम के मिलने की खबर उन्हें लगी वह बेहद खुश हुए। वह ASI राजेश कुमार का धन्यवाद करते हैं। वहीं शिवम के जीजा ने भी कहा कि वह अपने साले शिवम से पहली बार मिल रहे हैं। जैसी खुशी उनके पिता को हो रही है, वही खुशी अपने साले से मिलकर उन्हें भी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके ससुर शिवम से मिलकर बेहद खुश हैं। अब इतने साल तक अब वो क्या बोलते गुम हो गया, फिर घर गया तो पता ही नहीं लगा हमारे को। तो फिर राजेश भाई ने फोन किया, आपने किया, फिर हमारे को बढ़िया हो गया, खुश हो गया। इसमें जितना भी वो किया है, मतलब यहाँ तक पहुँचाने का कोशिश किया, उनको सबको धन्यवाद कहूँगा। क्योंकि मैं जीजा हूँ, ये तो मेरे को जानते भी नहीं है। मैं तो ये गुम होने के बाद किया शादी, तो आज मुझे भी खुशी हो रही है, तो बाप को भी खुशी होगा ही होने तो मुझे भी हो रही है कि साला मिल गया है। पहले सुना था कि बोलती थी गीता, एक मेरा एक छोटा भाई है शिवम, वो गुम हुआ, इतना साल हो गया, मेरा बाप इधर ढूंढते उधर ढूंढते, तो आज सो मिल गया, बहुत खुशी हो रही है। मतलब नेपाल से मेरे उसमें फेसबुक में ट्वीट हुआ था, तो मैंने वो देखा, फिर ASI राजेश कुमार जो यहाँ है, इनके सहायता से आज इनका मुलाकात करा पाया राजेश सर ने, तो बहुत खुशी हो रही है। ASI राजेश कुमार, जो करीबन देश के लापता 500 बच्चों को परिजनों से मिलवा चुके हैं, उन्होंने सोलन में शिवम को उनके पिता से मिलवाया और कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य है लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाना, जिसमें वह लगातार कामयाब भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवम को आश्रम में रखा गया था जहाँ उसकी शिक्षा चल रही थी। वह 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, आज वह अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश है। मेरा नाम ASI राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला से, और मेरे टीम मेंबर है भूपेंद्र सिंह, और हमारे जो बालकुंज से जो काउंसलर हैं मायराम जी, वो हमारे साथ आए हुए हैं। और जो ये हम कार्य कर रहे हैं, हमारे DGP हैं क्राइम ब्रांच मोहम्मद अकील जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, और हमें जो इस बच्चे की सूचना है वो 2020 में मिली थी, भाई इसका परिवार तलाश करो। तो इस बच्चे से मैंने बार बार काउंसलिंग की, तो इसको ये नहीं पता था भाई मैं कहाँ से आया हूँ, तो ये बार बार नेपाल का एड्रेस बता रहा था। वो नेपाल का एड्रेस वेरीफाई करने के लिए हमें एक NGO है दिल्ली में, नवीन जोशी, उसके पास मैंने इसकी वीडियो और जो एड्रेस था वो सभी भेजा वहाँ, तो उसके द्वारा फिर इसको नेपाल के अंदर एक TV पे चलाया गया, तो वहाँ से जो लिंक है वो यहाँ शिमला में पहुँचा। उसके आधार पर जो इस बच्चे का जीजा जी है, उसने देखा और कहा कि ये जो है मेरी जो पत्नी है उसका भाई है, शायद वही हो सकता है। फिर इसके पापा को दिखाया, फिर इसके पापा ने मेरे से संपर्क किया, तो मैंने इसके पापा से इसके बच्चे की वीडियो कॉलिंग कराई, तो उसने पहचाना कि भाई यही मेरा पापा है। तो उसके पापा ने कहा कि ये मेरा बेटा है और ये 8 साल से मिसिंग है, और कहाँ पे है, मैं बोला भाई ये छछरौली हरियाणा में है, आप बताइए। तो उस टाइम ये बच्चा है जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, और हमने वीडियो कॉलिंग कराने के बाद वेरीफाई करा लिया था, और इसकी 10वीं की परीक्षा ख़त्म हो गई है, अब ये पास हो गया है, तो आज हम इसको यहाँ पे लेकर आए हैं और इसके पापा से इसका मिलवान कर रहे हैं, अब अपनी फैमिली में रहेगा ये।
और तो इसमें जो भी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम तहे दिल से, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आज ये बच्चा अपने परिवार में पहुंच रहा है। 6 साल बाद मैं अपने पिता से मिला जी, खुशी और रही जी, ये कि इतने कोशिश के बावजूद मैं मेरे को मेरे पेरेंट्स मिले जी, इसलिए मुझे खुशी हो रही है।